अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। अरे रमन जी कहाँ है, देख नहीं रहे? वो रमन जी हमारे लिए मनपसंद आइसक्रीम लेने गए हैं, बस कुछ देर में आते ही होंगे। अच्छा अब हम फोन रखते हैं, ठीक है? सब हमारे इंतजार कर रहे होंगे हमारी मोदी खाई के लिए। ठीक है अम्मू, ध्यान रखना अपना। हाँ भाभी, क्या था ये सब कुछ, और क्यों नहीं बताया सच अपने भाइयों को? बताइए। नहीं बता सकते। और अब भी वादा कीजिए, क्या आप भी नहीं बताएंगी? भाभी नंदिनी, वादा करो। ओके ओके भाभी। अब आप भी रोना बंद कर दीजिए। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। आपको तो पता है ना कि अगर मम्मी का पारा हाई हो गया ना तो हम किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। आप बताइए कि हमारे ऊपर रमन जी को सबसे अच्छा रंग कौन सा लगेगा? अब आप पर सबसे ज्यादा अच्छा रंग कौन सा लगता है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ भाई का मनपसंद रंग हमें पता है। अभी आते। रमन जी, आपकी पसंद का रंग पहनकर हम और भी ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, पर हमारा श्रृंगार तब पूरा होगा जब आप आएंगे, इसीलिए प्लीज जल्दी आ जाइए ना। भाभी भाभी भाभी। हाँ? बहुत अच्छी लग रही। बस एक चीज की कमी है, हमारी मांग में सिंदूर आपने भरा। रजत जी, हमको अभी एक लाश मिली है जिसका हुलिया रमन से काफी मिलता है। आपको पहचान के लिए हमारे साथ आना होगा, प्लीज। भाभी मैं समझ सकती हूँ, सिंदूर लगाने में आपको बहुत अनइजीनेस हो रही है क्योंकि आपकी मांग रमन भाई ने नहीं रजत भाई ने भरी है, और वो भी आपके मर्जी के खिलाफ। और जो कुछ भी हम जानते हैं कि हमारी मांग रजत जी ने भरी है, लेकिन हमने मन से रमन जी को ही अपना पति माना है, इसलिए उनके नाम की सिंदूर हम जरूर लगाएंगे। तेरी नजर के जादू ने बदमाशियों में घेरा, मेरी रातों में तू शामिल है, मेरा तू ही है सवेरा। मैं भूल गया सब कुछ।
ये तो वही चेन है ना जो उदय ने रमन को परीक्षा के समय दी थी। बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, सबसे सुंदर दुल्हन। भाभी मैं अभी आती हूँ। आज तो हमने अपनी मांग भर ली, लेकिन रमन जी अगली बार से आपको खुद अपने हाथों से हमारी मांग भरनी होगी। ये भोले बाबा, हमने अब तक सच्चे मन से आपकी पूजा की है हमेशा, बस हमारे रमन जी जहां कहीं भी हो उनकी रक्षा करना। छुटकी बहुरिया, आने के लिए 4 सेवक लगेंगे का? अरे जल्दी आओ, यहाँ इंतजार हो रहा है तुम्हारा। भाभी एक सेकंड। कैरी, कैरी जल्दी अंदर आओ और ब्रेकफास्ट दो। पता अगर देर होगी ना तो मम्मी सबकी क्लास लगा लेगी। आ गई, ले लीजिए। वैसे छोटी भाभी आप ना आज मॉडल बनने वाली है। मतलब? अरे बुआ जी अपनी सेखी बगाड़ने के लिए आपसे रैंप वॉक जो करवाएंगी, बगल वाली त्रिपठाइन पे इम्प्रेशन जो झाड़ना है। क्या? हाँ, वो क्या है ना, त्रिपठाइन चाची की बहू जब आई थी ना तो सब ने उसकी बहुत तारीफ की, तभी से बुआ जी ने ठान लिए कि मेरी बहू भी बहुत खूबसूरत होगी, मतलब उनकी। लेकिन हम तो इतने सुंदर हैं भी नहीं, शायद बुआ जी को लगते हो। अब फटाफट ये नाश्ता कर लीजिए और बाहर चलिए, मैं सुनहरी चाची को नाश्ता देकर आती हूँ। आपको पता है रमन भाई की चिंता में उन्होंने कब से कुछ नहीं खाया है। क्या? तो कह रही दीदी, ये नाश्ता आप हमें दे दीजिए, हम माँ को खिला कर आते हैं। भाभी आप इस नाश्ते के चक्कर में कहीं मम्मी आकर आपको ना खा जाए। ये नाश्ता आप कैरी को दे दो, वो जाकर देकर आएगी। नहीं नंदिनी, माँ सुबह से कुछ भी नहीं खाई है और क्या पता अभी भी ना खाए। लेकिन हमारे होते ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अभी जाकर खिला कर आते। और चिंता मत करो, हम झट से जाकर फट से आ जाएंगे, ठीक है? भाभी, दीदी ये भाभी तो बुलंद चौहान परिवार की बुलंद पहचान लग रही है। इनकी और बुआ जी की टक्कर ना तगड़ी होने वाली है। बस कहीं कल्याण ना हो जाए। चलो माँ, देखिए हम आपके लिए नाश्ता लेकर आए हैं। हमें पता है सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया ना, चलिए साथ में खाते हैं। देखिए माँ, आप बार बार इधर उधर गर्दन करेंगे ना तो आपके गर्दन में मोच आ जाएगी, लेकिन हमारे पैरों को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम कबड्डी के खिलाड़ी हैं और हमें हराना इतना आसान नहीं है। लीजिए अनमोल, जब तक हमारा रमन नहीं आ जाता तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे, पता?
जाने वो कहाँ होगा, कैसा होगा, उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। ये बॉडी रमन की नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हमारा रमन जिंदा। रमन ठीक है, वो एकदम ठीक है, चलिए। माँ, रमन जी के लिए तो हम भी बहुत परेशान हैं, पर आप चिंतित मत होइए, वो तुरंत ही हमारे पास होंगे। पक्का? वो लौट कर आएगा ना? पक्का, और जो विश्वास दिल से किया जाए ना वो चीज कभी नहीं टूटती, इसीलिए चलिए साथ में खाते। आज हमरा दिल खुशी से फूला नहीं समारा, बस जल्दी से तुमरा ब्याह का मुहूर्त निकल जाए, बहुत ही खुश हैं हम। का है कि तुमरी वजह से ये खुशी मिली है, तो तुम ही पहले मुंह मीठा करो। अम्मा, ये मिठाई मुंह को तो नहीं खिलाई ना? हम गई ना तो ससुराल चली गई है। अनमोल के अलावा भी कुछ रहता है तुम्हारे दिमाग में? अम्मा, बहन के बारे में सोचना कोई बुरी बात है क्या? अम्मा, अम्मू के ससुराल वालों को पता होगा ना कि उसे मूंगफली से एलर्जी है। माँ, अगर आप नहीं खाएंगे ना तो हम भी नहीं खाएंगे, हम भी भूखे रहेंगे। सच कह रहे हैं अनमोल, हमें भूख नहीं है, तुम खा लो। ठीक है, हम नहीं खाएंगे, कभी नहीं खाएंगे, और हम भी भूखे रहेंगे। और हम आपको पहले बता दे रहे, अगर हम भूखे रहते हैं ना तो हमें चक्कर आने लगता है, और ऐसा लगता है सारा ब्रह्मांड हमारे सर पर गिर गया। और आप चाहती हैं क्या कि हम चक्कर आकर यहाँ पर गिर जाए? नहीं चाहती हैं ना ऐसे? और आप ही बताइए, हमें भी तो रमन जी का डांट खाने के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो क्यों से क्या मतलब होता है? रमन जी आके हमें डांटेंगे नहीं कि हमने आपको भूखा रखा, और आपको भी डांटेंगे कि आपने भी हमें भूखा रखा। रमन हम दोनों को नहीं डांटेगा, क्योंकि हम अपनी बहू को भूखा नहीं रहने देंगे। चलो आ करो, पहले आप खाइए। तुम बहुत बदमाश हो, पहले तुम खाओगे उसके बाद हम खाएंगे। आकर वैसे भी माँ का मन तब भरता है जब वो अपने बच्चे को अच्छी तरह से खिला ले। चलो आकर मुंह खोलो। तू हमार बेटी ना है, ने तुम्हें अपनी कोख से नहीं जाना है, अनाथ है तू। क्या हुआ? आकरो, अरे इस पोहे में तो मूंगफली है जिससे हमें एलर्जी है, पर नहीं, हम माँ को नहीं रोकेंगे, क्योंकि जिंदगी में पहली बार हम माँ के हाथ का स्वाद चख रहे हैं। बस बेटा, हमारा मन तो तुम्हारे आने से ही भर गया था, अब तुम खाओ खाओ। अरे
भले ही मुझे रोक दिया हो बुआ जी, पर मेरे इरादे को कोई नहीं रोक पाएगा। अनमोल, जस्ट वेट एंड वॉच, खेल अभी खत्म नहीं हुआ बल्कि शुरू हुआ है। क्या हुआ कल्याणी, लगता है तुम्हारी बहू को नेक नहीं लेना, या फिर चेहरा इतना विचित्र है कि ठीक करने में समय लग रहा है। अब नई बहुरिया है तो समय तो लगेगा ही, बाकी कितनी सुंदर है तो अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। अगर इतनी तारीफ आप कर रही हैं तो देखना ही पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा जो चैलेंज आपने ली थी वो पूरा हुआ है या नहीं। नंदिनी जाओ छुटकी बहुरिया को ले आओ। जी मम्मी। अनमोल बेटा, ये क्या हो गया तुम्हें? भाभी, ये आपका मुंह फूला हुआ गुब्बारा जैसे क्यों लग रहा है? अब आप नीचे कैसे जाएंगी? समझ नहीं आ रहा हमें, कैसे हो गया बेटा ये? नीचे कैसे लेके जाएंगे? पर बेटा ये हुआ कैसे? वो हमें ना मूंगफली से एलर्जी है। हे भोलेनाथ, हम सच में एकदम गुड़बा के सब कुछ खराब कर दिया हमने। अब बुआ जी हमें कच्चा चबा जाएंगी ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हें एलर्जी की दवाई देती हूँ, वो खाते ही तुम्हें आराम मिल जाएगा। रुको, अभी ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाँ मामी, दवाई लेकर आ रही हूँ। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ खाते ही आराम मिल जाएगा। ले नंद, बेटा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें मूंगफली से एलर्जी है? माँ, आप हमें इतने प्यार से खिला रही थी ना कि हमें मूंगफली दिखाई नहीं थी, और ना मुंह दिखाई का ध्यान रहा, हमें बस आपका प्यार दिखा। हमें माफ कर दीजिए। तुम पागल है ये लड़की, हमने दवाई दी है ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रोते नहीं, चुप चुप चुप, हम ठीक हो जाएगी। चुप, कल्याणी जी, जिस हिसाब से आपकी बहू इंतजार करवा रही है, लगता है आपकी हाथ में नहीं है। आप सब बैठिए, हम अभी बहुरिया को लेकर आते हैं। हाँ, हम इंतजार करते करते दुबले हो गए हैं, और यहाँ सास और बहू का भरत मिलाप चल रहा है। याद नहीं रहा, कहा था ना नीचे आना है। अब चलो। अरे मुँह काहे छुपा रही हो? मुँह छुपाना नहीं है, घूंघट लेके मुँह दिखाना है। चलो हटाओ इसे। आज मैं उस अनमोल को छोड़ूंगी नहीं, खत्म कर दूंगी उसे।
हे भगवान, ये बंदरिया जैसा मुंह काहे बनाया है? सच बोल, बोल सच, ये सब तूने जान के किया है ना, ताकि हमारा नाम खराब हो सके? नहीं चीची, जानबूझ के कुछ नहीं किया है, उसे एलर्जी हो गई है। वाह, वहाँ समाज की औरतें मुंह दिखाई के लिए आ रही हैं और यहाँ सास बहुरिया दोनों मिलकर हमने मुंह पर कलक पोंछने की योजना बना रही। अरे लेकिन आप माँ पर क्या चिल्ला रही है, उनको सच में नहीं पता था कि हमें मूंगफली से एलर्जी है? चुप, फट से जवाब देने लगती है। अरे हम सच में कह रहे हैं, इनको नहीं पता था इस सब के बारे में। और आप ही बताइए, अगर हमें आपका नाम खराब करना था तो हम घटिया से डांस भी कर लेते ऐसे 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 ऐसे। मेरी पत्ती सी निकालना बंद कर, देख रही हो उसके लक्षण? आज ही अकेली ना चाहिए, कल को ये तुम्हारे साथ साथ इस पूरे घर को ना चाहिए। मेरी सब समझते, तुम यही जताना चाहती हो ना, ये घर तुम्हारा है और यहाँ राज भी तुम्हारा चलेगा। पर आप सही तो कह रही हैं, ये घर माँ का ही तो है। आप बताइए, आपका ससुराल कहाँ पर है?